जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर्स एक्स वन वन कॉमा टू कॉमा फोर था यहाँ पे, और क्या एक्स टू थ्री कॉमा सिक्स कॉमा ट्वेल्व आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखो यार एक्स वन वेक्टर को कैसा अज्यूम करो कि ये क्या दिया हुआ है, वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप के बराबर दिया हुआ है। और एक्स टू कैसा दिया हुआ है आपके पास, थ्री आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप के बराबर दिया हुआ है। तो देखो यार हमको करना क्या है, एक्स वन और एक्स टू को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो अभी हमने क्या देखा, एक्स वन के अंदर क्या करते हैं, कोई कॉन्स्टेंट नंबर के वन मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या एक्स टू के अंदर कोई कॉन्स्टेंट नंबर के टू मल्टीप्लाई करते हैं, इनका सम कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट के वन का वैल्यू कितना ले और के टू का वैल्यू कितना ले। तो देखो यार पहले के वन लिख दिया जाए कितना है, वन टू फोर है, और के टू कितना है आपके पास, सॉरी एक्स टू कितना है, थ्री सिक्स ट्वेल्व है। ठीक है, तो करो क्या आप के वन और के टू का वैल्यू सोचो। अगर हम क्या करें, के वन के अंदर थ्री मल्टीप्लाई, के वन का वैल्यू थ्री मल्टीप्लाई करें तो थ्री सपोज करो, तो थ्री वन जा थ्री बनेगा, कितना बनेगा थ्री बनेगा, थ्री टू जा सिक्स बनेगा, और थ्री फोर जा ट्वेल्व बनेगा, इतना बन जाएगा प्लस। ये तो आपके पास इतने के बराबर आ गया, लेकिन अगर हम क्या करें के टू का वैल्यू माइनस वन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व। ठीक है, तो देखो यार ये क्या है, थ्री आई कैप सिक्स जे कैप ट्वेल्व के कैप, ये क्या है माइनस थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस ट्वेल्व के कैप। तो जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो आई का आई में ऐड होगा, जे का जे में ऐड होगा, के का के में ऐड होगा। ठीक है, तो पहले आई आई को ऐड करो, थ्री माइनस थ्री जीरो, जे को ऐड करो सिक्स माइनस सिक्स जीरो, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व के का ऐड किया तो कितना भैया आया, जीरो आया। मतलब ये कितना है, ओवरऑल ये जीरो वेक्टर के बराबर आया। तो देखो दो वेक्टर्स का सम हमारे पास जीरो के बराबर आया, वो ये बात को प्रूफ करता है कि यक्स वन और यक्स टू क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इनको नोट करो।